आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट बॉल्स। आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी, साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चॉकलेट बॉल बनाने के लिए लिए मैंने बटर कुकीज़ आधा केजी, डार्क चॉकलेट 1 कप, कोको पाउडर 2 चम्मच, कंडेंस मिल्क जो कि हमने घर पे तैयार करा है, और वेनिला एसेंस लिया है। साथ ही सारे बिस्किट को हम मिक्सी में बारीक पीस लेंगे। सारे बिस्किटों को हमने मिक्सी में बारीक पीस लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर, इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। कोको पाउडर हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब जो कंडेंस मिल्क है इसे भी हम मिक्स कर देंगे। कंडेंस मिल्क, कोको पाउडर और बिस्कुट को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें वेनिला एसेंस की कुछ बूंदे डालेंगे। इसे हमें हाथ की सहायता से जिस तरह हम आटा लगाते हैं उस तरह से होना चाहिए। कंडेंस मिल्क जो हमने इस्तेमाल करा है उसका वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ, घर का बना हुआ कंडेंस मिल्क है। जो मिश्रण बनाया था हमने अच्छी तरह सबको मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल तैयार कर लेंगे इस तरह से। अब बॉल तैयार कर लीजिए सारी आपके मनचाहे आकार में। दोस्तों सारी बॉल्स हमने तैयार कर ली, ये देखिए इस तरह से। अब हम डबल बॉयलर के लिए हमने कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया। आप इस तरह का कोई भी स्टैंड रख दीजिए। साथ ही हम एक कांच का बर्तन रखेंगे और उसमें हमारी जो डार्क चॉकलेट थी उसे डाल देंगे, वैसे मेल्ट होने देंगे। चॉकलेट हमारी पूरी तरह मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें बॉल डालेंगे और बॉल को अच्छी तरह डीप करके इसकी कोटिंग करेंगे डार्क चॉकलेट की, और इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। इसी तरह हम सारी चॉकलेट्स को डीप कर देंगे डार्क चॉकलेट में और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में हमने हल्का सा ग्रीस करा था पहले। सारी बॉल्स को हमने डार्क चॉकलेट में डीप करके बाहर निकाल दिया, अच्छी तरह से इसको कोट कर दिया डार्क चॉकलेट से। अब हम इसे फ्रीज में रखेंगे 1-2 घंटे के लिए। आप इसे फ्रीज में रखिए, जब भी खाना हो तब निकाल के इस्तेमाल कीजिए। सारी चॉकलेट बॉल्स हमारी तैयार हो चुकी। 20 मिनट हमने इसे फ्रीज में रखा था, और ये देखिए एक हमने कट करके भी रखी है। इस तरह से तैयार होगी। गर्मी के मौसम में आप इसे फ्रीज में रखिए तो सही रहेगा, वरना बाहर मेल्ट होने लगेगा ऊपर का इसका कोटिंग।